हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है फिर से आपका एक नए व्लॉग में। और आज है संडे। हाँ, ये संडे वाला व्लॉग है। और यहाँ पे ना देखिए, मैं घर जा रही थी और घर में जो मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि काम लगा था, तो देखिए प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा हो गया है। इधर से भी बाउंड्री मेरा पूरा कैप्चर हो रहा है और इधर दीवार भी उठ गया है। और आज ना जो एलिवेटर है वो फिटिंग करने के लिए मिस्त्री अलग से आए हुए हैं, तो देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सारा जो है ना लग चुका है मेरा एलिवेटर। देखिए इस तरीके से पूरा लुक इसका दिख रहा है। और इतना बड़ा ये हमारा बरामदा टाइप में हो गया और आंगन टाइप में हो गया, तो ये देखिए ये इस तरह का लुक दिख रहा है। और इधर देखिए ये बाउंड्री भी मेरा कंप्लीट हो गया है इस तरफ वाला। और फिर नेक्स्ट डे और भी सारा काम हो जाएगा, तभी फिर भी 3-4 दिन लग जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं छत से दिखा रही हूँ कि भैया कैसे सेट कर रहे हैं इस तरह से एलिवेटर को, ना ड्रिल करके नट बोल्टों से कस रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। अभी हो रहा है 11:30 और मम्मी अभी आई है गांव से। और मम्मी गांव से आने के बाद फटाफट नाश्ता बना रही है, क्योंकि मम्मी नाश्ता बना के नहीं गई थी। और यहाँ पे ये रोटी रोटी बना रही हो? Yes. और मम्मा यहाँ पे आज क्या बना रही है? पनीर, मटर पनीर। हाँ, मटर पनीर। तो देखिए मम्मी यहाँ पे पनीर कट कर रही है। बगल में रोटी भी बन रहा है और मटर पनीर बनने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मेरी मम्मा का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और इधर उधर आने जाने में ना काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाता है, तो थकानी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो मैंने ना मंडे का वीडियो ब्लॉग नहीं शूट किया था, ये ट्यूसडे का ही है, तो संडे और ट्यूसडे का यहाँ पे मिक्सिंग ब्लॉग है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आया है ना, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को तो लग गई थी फटाफट से भूख, तो मैं आ करके फटाफट से बना दी ब्रेकफास्ट और ये यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मेरे इधर उधर आने जाने से बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, खाना समय पे मिल नहीं पाता है। और अगर मैं उधर नहीं जाती हूँ तो उधर का भी काम बिगड़ जाता है, तो दोनों तरफ मैनेज करना पड़ रहा है ना, तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बट कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सारा कुछ सब अच्छे से हो जाएगा। घर में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगने वाला है, बस 3 से 4 दिनों में ना कंप्लीट हो जाएगा, मेरा घर रेडी हो जाएगा। शाम का टाइम हो गया है और मैं ना मैंने घर से आई थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि घर में काम लगा हुआ है और वहाँ भी जाना ज़रूरी ही है। तो फिर वहाँ पे मैं गई थी ना, तो उधर से मैं आई, उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद फिर लंच भी बना। बट ना लंच जैसे के तैसे है, बच्चे भी नहीं खाए हैं और मैं भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का ही टाइम हम लोग का अभाव हो गया था इस वजह से। तो अभी मेरा पूरा किचन क्लीन भी हो गया है, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि ना आज ट्यूसडे है और कल वेडनेसडे है। जो थर्सडे वाला मैं फास्ट करती हूँ ना, तो वेडनेसडे को मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इस वजह से मुझे ये क्लीन करना पड़ता है ट्यूसडे को ही, क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग के टाइम पर उतना हो नहीं पाएगा इस वजह से। तो अभी चलिए, अभी बज गया 4:30 और लग गई है भूख ना, तो मैं थोड़ा सा चावल खा लूँगी। सुनिधि खाएगी कि नहीं पता नहीं, पूछती खाएगी बेटा? सुनिधि बोल रही है नहीं खाएंगे, तो मैं खाऊंगी क्योंकि ना मुझे भूख लग गई है। देखिए पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूँगी। तो मैंने ना मटर पनीर बनाया था और चावल बनाया था, तो चलिए पहले खा लेते हैं।